दमोह जिला के पथरिया से बहुजन समाज पार्टी की विधायक रामबाई परिहार देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में एसटीएफ या सीबीआई की जांच करावे की मांग कर रही और ये मांग के लाने वे मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायकों से समर्थन जुटावे में लगी हैं और सरकार से उनकी मांग है कि ई मामले की सीबीआई या एसटीएफ जांच कराई जाए। बिल्कुल हम उनके साथ हैं, उनको न्याय मिलने चाहिए, उनको लाने उच्च स्तरीय की जांच मांगने चाहिए, उनको सीबीआई जांच मांगने चाहिए। धरना पे बैठने से कुछ नहीं होगा, उनको अगर कोई नहीं सुन रहा तो जज के पास जाना चाहिए, मैं भी उनके साथ हूँ। रामबाई परिहार के पति गोविंद सिंह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हटा के देवेंद्र चौरसिया को परिवार अनशन पे बैठ गयो तो रामबाई बोली कि अनशन से कछु नहीं हो, परिवार भी सीबीआई जांच की मांग करवे और हम ई मांग में उनके संग हैं। हाँ तो मैं तो बोल तो रही हूँ कि भाई उन्हें हमें नहीं दी गई, उनको दे दी जाए जांच, मुझे तो नहीं दी गई, उनको दे दी जाए। दरअसल रामबाई परिहार के पति गोविंद सिंह भी देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी थे, लेकिन उनकी अलग से विवेचना के चक्कर में अब जो विवाद तूल पकड़ रहा हो। हालांकि विधायक सीधे तौर पर जाबात कह रही कि जो भी व्यक्ति दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, लेकिन उनके पति ई मामले में निर्दोष हैं और यही वजह से वे हर स्तर की जांच को तैयार हैं। संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागर श्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागर श्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज। सागर श्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, इसके बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।